हेलो एवरीवन। तो भाई अभी मैं निकल चुका हूँ अनीस को पिक करने के लिए, और अभी अनीस को पिक करते हैं। उसके बाद भाई जो आपने थंबनेल में देखा वहाँ निकलते हैं। अभी तो यार 1 मिनट का रेड लाइट है ये। Just falling over dreams. Now I'm just so far gone. This isn't what it seems. तो भाई अभी हम निकल रहे हैं आगरा, और आगरा के लिए फिर मैंने अभी अनीस अभी जस्ट आया ही था, वो कहीं गया हुआ था और रात में वो सोया भी नहीं है, और वो अभी जस्ट आ ही रहा था बाइक से, और मैंने उसे बोल दिया कि भाई अभी चलना है वापस, आगरा चल रहे हैं। और उसने मना नहीं किया, बोला चल ठीक है भाई चलते हैं। तो भाई ये है अभी, तो मैंने भाई उससे बोला कि मैं आ रहा हूँ तुरंत। तो फिर भाई मैंने अभी गोप्रो वगैरह चार्ज में लगा था, सर चार्ज में लगाया, और कोशिश तो की थी मैंने सुबह जल्दी निकलने की। उससे मुझे 5:30 या 6 बजे करीब बात हुई थी, तो अभी तो मैं निकल चुका हूँ 1 घंटे में आई थिंक। अभी देखते हैं, बस मैं नोएडा पहुँच नहीं गया हूँ तो ज़्यादातर 5 किलोमीटर है, और आज ही आने का प्लान है तो आएंगे भी आज ही। Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone. This isn't what it seems. तो भाई अभी मैं अनीस को पिक कर चुका हूँ, और अभी सीधे हाईवे पे निकल गए, और 194 किलोमीटर अराउंड है यहाँ से, और अभी बस भाई निकल चुके हैं। और ये सेटअप मैंने अभी दोबारा किया था आज सुबह, तो आई डोंट नो कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। और रोड देख रहे हो भाई, इसमें क्या ही बताऊँ कि कहाँ पे क्या है। ये रोड इतना खतरनाक बना रखा है डिजाइन, ये इसमें गड्ढा है क्या पता चलेगा। मैं समझ गया, ये डिजाइन ऐसा ना खतरनाक सा बना रखा है, लग रहा कि वहां गड्ढा है और ऊंचा है, गड्ढा है ऊंचा ऐसे। तो भाई ये हम इंटर कर रहे हैं भाई, इंटर कर चुके हैं भाई यमुना एक्सप्रेस वे पर, आपका स्वागत है भाई। मैं फर्स्ट टाइम यमुना एक्सप्रेस वे पे इंटर कर रहा हूँ, और भाई ये अनीस के साथ लिखा हुआ था कि अनीस रेडी होगा तभी होगा ये। खतरनाक खतरनाक भाई। अनीस राइड कर रहा है भाई, अपना एक्सप्रेस तो बिल्कुल सीधा ही है, आराम से चलते जाओ, और भाई मज़ा ही आ रहा है यार। मतलब कि फर्स्ट राइड हो गई है भाई, बिल्कुल खतरनाक वाली और अनएक्सपेक्टेड था। अभी यार मेन दिक्कत है ना, बादल आ चुके हैं यार, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो भाई यही सीन है अभी। भाई अभी हम यहाँ पे रुके हैं, और मज़ा ही आ रहा है यार एक्सप्रेस वे पे। खतरनाक ही वाला व्यू देख रहे हो आप, 70 किलोमीटर अराउंड चला है, और अभी जो राइड किया अनीस ने नोएडा से राइड किया, अभी 70 किलोमीटर पूरा एक्सप्रेस वे एंटर करते ही। और भाई अभी जो मज़ा आ रहा है भाई, मतलब बहुत ही हवा चीज़ें, मौसम मतलब अभी धूप था और अभी अचानक से बिल्कुल भाई ठंडा हो चुका है, खतरनाक वाला बिल्कुल चिल्ड है भाई। मौसम कैसा है? मौसम है बिल्कुल मतलब भाई मज़ा दिला रहा है, बिल्कुल खतरनाक वाला मज़ा आ रहा है। अभी काफ़ी देर से फोटो शूट चल रही है यहाँ पे, और अभी भाई बस थोड़े शॉर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, बस मिल जाए, और फिर यहाँ से 130 किलोमीटर निकलना है, फिर यहाँ से मैं कोशिश करूँगा। अभी भाई अनीस भाई का पोज देखो तुम, ये भाई खतरनाक भाई, हीरो भाई है, हीरो भाई है, हीरो भाई है। Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come break this life.
भाई जब हम फोटो खींच रहे थे तो इधर हो रही थी बारिश और हम बच गए। फोटो खींचने में थोड़ा टाइम लगा दिया हमने, उस कारण से हम ये बारिश से बच गए। और अगर बारिश हमें मिलती तो हम और आगे भागते उससे बचने के लिए, और बारिश में हम भीग जाते। तो सही था कि हम वहाँ रुक गए, और जस्ट उससे मैं बोलूँगा 200-300 किलोमीटर बाद से पूरी रोड भीगी हुई आ रही है। यहाँ पे तो थोड़ा अभी सही है, सूख गया है रोड। तो ये भी रुके अपन। हाँ तुम बताओ। नींद आ रही है, चाय पिला दो यार। भाई वहां से हम निकल चुके हैं, पर छोटा सा ब्रेक था, चाय पी लिया वहां से क्योंकि दोनों सोए नहीं है पूरी रात। और अभी बस सही है, अभी तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम चल रहा है। यहाँ से कभी 65 किलोमीटर रह गया। और भाई ये बादल देख रहे हो आप, खतरनाक ही लग रहे हैं यार, मतलब बिल्कुल जहर वाली बातचीत है बिल्कुल। और रोड भी बिल्कुल स्ट्रेट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं, मज़ा आ रहा बिल्कुल। बहुत टाइम सोच रहा था कि ये एक राइड हो जाए, और थोड़ा ये चल भी जाएगा, काफ़ी कम चला ये, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता यार, मैं सिर्फ वीकेंड में चलाता हूँ, मतलब जैसे कि मेरे पास सैटरडे संडे टाइम होता है, सिर्फ उसी में बाइक चलती है, और वर्क फ्रॉम होम के कारण भी ये बाइक चल नहीं पा रही है। तो मैं सर्विस के लिए भी गया था, तो इसलिए उन्होंने ये बोला था कि यार अभी थोड़ा और चला लो या फिर अभी करा लो। तो मैंने बोला जब तुम लोग बोल रहे हो कि चला सकते हैं, तो मैंने ठीक है भाई, तो बोला कि एक मंथ बाद आना, तो मैंने ठीक है बस थोड़ा और चल जाएगा फिर करा लूँगा सर्विस। तो अभी सेकेंड सर्विस इसकी करानी है नेक्स्ट मंथ, मतलब बेसिकली एक दो वीक ही रह गया, एक वीक रह गया उसमें, उसके मतलब दो वीक में मैं करा लूँगा जब भी टाइम मिलता है मेरे को। अभी तो भाई नॉर्मल एक डिसेंट स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि यार भाई मौसम का ना मज़ा आ रहा है यार, रश नहीं कर रहे हम, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। और ये देख सकते हो आप खतरनाक ही मौसम, बादल बादल भाई, बहुत साथ दिया है बादल ने यार आज, मतलब कि कोई बिल्कुल मज़ा आ रहा है, मतलब बादलों ने आज जो साथ दिया ना भाई, खतरनाक वाला। देख रहे हो मौसम, अभी 10:30 करीब हो रहा है और इतना ख़तरनाक मौसम हो रहा है, धूप कुछ नहीं है, गर्मी में भी कुछ नहीं, ठंडी हवा चल रही है भाई, मज़ा ही आ रहा है चलाने में, आराम से मैं 70-75 की स्पीड में चल रही है गाड़ी। और बस अभी अराउंड 50 किलोमीटर रह गया हुआ, जो कि हम इजीली कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आते समय थोड़ा और देख लेंगे रिलैक्स होना है क्या होना है, अभी तो बस आराम से पहले पहुँच जाए, और कोई जल्दीबाजी नहीं है, वहाँ पास बहुत टाइम है। हम निकलने में वहाँ से 8:30 हो गए थे, 8:30-9 करीब हो गए थे, पर सही है कोई नहीं, फिर भी इतना भी दूर नहीं है दिल्ली से आगरा, तो इजीली कवर हो जाएगा। मैंने 4 लिए थे तो भाई अभी अपन निकल चुके हैं यहाँ से, और पार्किंग में लगा दिया भाई। दे बताओ
नहीं यार अभी रहने दे भाई। बाइक पार्किंग में हो चुकी है और भाई अभी निकल चुके हैं हम, गेट से एंट्री हो चुकी है, अभी आगे चल रहे हैं भाई। ऊपर 500 मीटर है, थोड़ा वॉक करना है उसके बाद देखेंगे भाई। गोप्रो में दूसरी बैटरी लगा दी मैंने, ये ऐसी ऑन छूट गया था, उतना तुम्हें फुटेज तो मिला नहीं होगा, पर जो भी है अभी बस चल रहे हैं यहाँ से। उतना वो तो मौसम काफ़ी सही था आधे समय, अभी थोड़ी धूप हो गई है तो थोड़े पसीने आ रहे हैं। अपन तो उड़ते हुए हैं, बस थोड़ा सा ब्रेक लिया है और बाकी सही है, अभी चलते हैं भाई। मेरा ताजमहल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, निकलते हैं। अभी आ चुके हैं यार, खतरनाक भीड़ है यार, चेकिंग वेकिंग भी बैग वैग सब रख दिया, ट्राईपॉड वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, और बस आ चुके हैं भाई अंदर। सुनो भाई यहाँ से आती है, ये देखिए इधर मैं समझ गया भाई, फ्रंट गेट पे है अभी। काफ़ी सही सीन है, मास्क वास्क तो बंदे लगा नहीं रखे पर अपन ने लगा रखा है, उतार दे क्या? सबसे पहला गेट यही है तो भाई मास्क वास्क उतार दिया भाई, कोई लगा नहीं रखा तो अपन भाई गर्मी हो रही है यार, जितने बजे से आया है ना उतना सीन ही बैठ रहा है। तो बहुत